क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियमित सहारा प्राप्त ना हो। 1, 2, 3। अरे बिटकॉइन भाई ये क्या कर रहे हो? अरे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू ईयर यार। हैव टू बी फिट फॉर द माइलस्टोन्स दैट आई हैव टू अचीव दिस ईयर। व्हाट माइलस्टोन्स यार? $30,000 तो टच नहीं किया जा रहा। अरे इसीलिए तो आई एम वर्किंग आउट यार। आई हैव टू पुल माई सेल्फ थ्रू दिस। इतना कुछ करना है आगे। आई कांट लूज माई ग्रिप अगेन। यू हैव टू वॉच द होल वीडियो टू नो वॉट आई एम डूइंग। ठीक है फिर ये भी कर लिया जाए, तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। Guys, I'm sure most of you are pretty happy to see Bitcoin touching $21,000 right now. What are your thoughts? Do you think it's a bull run or a bull trap? Hello, hi, namaste. This is Riya Yadav, and in today's video, we shall cover the milestones that Bitcoin can achieve this year and what all 2023 has in store for this crypto asset. And well, how we as investors can plan our investments accordingly. 2022 mein bahut sare crypto firms ko evaporate aur collapse hote hue dekha hai humne. जहाँ बहुत सारे क्रिप्टो पार्टनरशिप्स हो रहे थे, वहीं बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस या कंपनीज बैंकरप्सी फाइल कर रहे थे। पर इससे एक बात तो एस्टैब्लिश हो गई बॉस, बेयर मार्केट इज द टाइम व्हेन बैड एक्टर्स आर वीडेड आउट ऑफ द सिस्टम एंड गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली सर्वाइव। द बेयर मार्केट हैज बीन क्वाइट हार्श ऑन दिस बिटकॉइन एसेट, और ये सिर्फ बेयर मार्केट की वजह से ही नहीं बल्कि मल्टीपल क्रिप्टो कोलैप्सेस की वजह से भी हुआ है। बिटकॉइन का ट्रेडिंग प्राइस वॉज एट $46,000 इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2022, पर साल खत्म होते होते बिटकॉइन वॉज बिलो $20,000। 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के बाद सारे मेजर एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग क्रिप्टो ट्रेडेड इन रेड। इन सब का रिजल्ट बिटकॉइन वेंट डाउन बाय मोर देन 60% एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। अब इस साल भी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाने वाले हैं दैट माइट अफेक्ट द प्राइस मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन। पहला है US फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग 2023। COVID-19 के बाद जब इकोनॉमी सफर कर रही थी तो सारे कंट्रीज ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, बेसिकली इन्फ्लेशन। People sought for various ways to invest in the surplus money and crypto saw a massive growth in 2021. But after the world resumed its normal way, governments across the globe are looking for ways to bring back the fiscal discipline that there was. Quantitative easing spree ke baad 2022 mein shuru hua Fed and dusre central banks ka quantitative tightening to pull out the excess liquidity from the market. पर अच्छी बात ये है कि एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट US फेडरल रिजर्व टू ईज दिस क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023, टू प्रीटी सून इनफ आई गेस। ये सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस इंक्लूडिंग क्रिप्टो के लिए एक काफ़ी अच्छा स्टांस है, स्पेशली बिटकॉइन। तो हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन के लिए थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम द प्राइस पर्स्पेक्टिव। So you can keep a close eye on the price movement of Bitcoin and you can do that by CoinDCX app, जहाँ पे आप watchlist भी कर सकते हैं and even better मेरी तरह price alert set कर सकते हैं। Now the next big thing to watch out for in 2023 is the breakthrough of crypto regulations. 2022 इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साल रहा था। क्रिप्टो टैक्स लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसको क्रिप्टो इंडस्ट्री ने एक पॉजिटिव स्टेप की तरह भी देखा, पर ये लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं एंड नीड टू बी ईज्ड अप लाइक अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस। हाउएवर 2023 क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री अब काफी बड़ी हो चुकी है दैट डेस्परेटली नीड्स गुड रेगुलेशन इन प्लेस। क्रिप्टो क्रैश 2017-2018 में भी हुआ था, क्रिप्टो फ्रॉड्स स्कैम्स भी हुए थे, पर जिस तरह के सेंट्रल फाइनेंशियल डिजास्टर्स 2022 में देखे गए हैं दे वर एट कंप्लीट डिफरेंट स्केल, राइट? आई एम श्योर यू गाइज वुड एग्री। ऑल दीज डिजास्टर्स हैपेंड ड्यू टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट, इनकम्प्लीट ऑडिट्स and insufficient governance. It is clear indication to the government authorities that a big industry like crypto needs regulation and regulatory bodies as soon as possible. Coindesk ke crypto market analyst Andrew Keys ke according is saal ke major policy decisions can revolve majorly around central exchanges and stable coins. In case you're wondering what stable coins are,
वॉच दिस वीडियो टू नो मोर अबाउट इट। इससे पहले कि हम दूसरे इवेंट्स पर आगे बढ़ें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, ताकि क्रिप्टो स्पेस में हो रहे छोटे बड़े सारे इन्वेस्टमेंट्स की खबर आप तक अच्छी तरह पहुंचती रहे। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मूविंग ऑन, 2023 कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ बिग ईयर फॉर वेब थ्री। क्रिप्टो के मेनस्ट्रीम होने के बाद द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ वेब थ्री हैज स्टार्टेड टू गेन अ लॉट ऑफ अटेंशन। इस साल वेब थ्री स्पेस और भी मोमेंटम और प्रोमिनेंस गेन कर सकता है। इंडस्ट्री स्लोली एंड स्टेडिली वेब थ्री एज अ होल कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रही है। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा एंड इस अडॉप्शन के बाद शायद हमें क्रिप्टो प्राइस अप्रिसिएशन भी देखने को मिल जाए। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो शायद क्रिप्टो स्पेस का पूरा गेम ही बदल डाले, वो है बिटकॉइन लूजिंग इट्स मार्केट शेयर इन 2023। वेल, इस पे डिटेल में बात करने से पहले ये बता दूं, हम कोई भी क्लेम्स या प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट रिपोर्टिंग द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द थिंग्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। इसीलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे, सो हिस्टोरिकली बिटकॉइन वो क्रिप्टो एसेट है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन डोमिनेंस इन बिटवीन 50-75% रहा है सिंस 2019, मगर ये ट्रेंड 2022 से थोड़ा कम होने लग रहा है। इनफैक्ट 2021 में ही ये स्लंप काफ़ी एविडेंट था। इसकी वजह है इथेरियम की पॉपुलैरिटी में इंक्रीज और दूसरे लेयर वन सॉल्यूशंस का अडॉप्शन। 2021 में जब बुल मार्केट आया, बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 75% से कम होकर 40% पे आ गया था एंड सिंस देन इट हैज रिमेन्ड बिटवीन 35-45%। दिस चार्ट ऑन द स्क्रीन शोज बिटकॉइन डोमिनेंस टू बी अराउंड 43% एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। अ सिग्निफिकेंट मूव फ्रॉम 40% to 43% वॉज ऑब्जर्व व्हेन बिटकॉइन रैली फ्रॉम $21,000। दिस शोज कि क्रिप्टो और बिटकॉइन रैली जरूर करेगा, पर ऑल्टकॉइंस विद बेटर यूज केसेस एंड स्केलेबिलिटी इस क्रिप्टो किंग के मार्केट कैप को स्लोली एंड स्टेडिली अक्वायर कर सकते हैं। सो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट, ऑल्टकॉइन सीजन इस बार काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तुम डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना? ऑन दैट नोट, डाइवर्सिफिकेशन पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो देखना मत भूलना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स फॉर बिटकॉइन इन 2023। ऑल दीज सजेस्ट कि इस साल हमें बिटकॉइन को और भी ज़्यादा क्लोजली एंड केयरफुली वॉच करना पड़ेगा मोर देन एवर। क्रिप्टो रैली विल डेफिनेटली ब्रिंग अ प्राइस रैली फॉर बिटकॉइन, बट वेन, दैट इज द क्वेश्चन। Hopefully this video will help you make a better investment decision in 2023. मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले बस एक और चीज़, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। I'll see you in the next video. Until then, happy investing. Bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियमित सहारा प्राप्त ना हो।